अगर आप किसी घायल जानवर को देखते हैं तो उसकी मदद करने के लिए ऑब्वियसली आप किसी एनजीओ या शेल्टर को कॉल करेंगे, है ना। लेकिन अगर वो शेल्टर उस जानवर को रेस्क्यू करने से मना कर दे, फिर आप क्या करेंगे? फोन पर शेल्टर वालों पे गुस्सा होंगे या उन पे दबाव डालेंगे, या फिर लोगों को बताएंगे कि भाई ये शेल्टर तो सिर्फ नाम का है, कुछ करता ही नहीं। लेकिन क्या किसी की मदद करने के लिए मदद मांगना जरूरी है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा आईटीआई धर्मशाला में, जहाँ गुड्डी अडॉप्ट हुई है। इसलिए वेणु और मैं जा रहे हैं श्रद्धा जी और प्रतीक जी के घर। तो अभी हम पहुंच गए हैं प्रतीक जी और श्रद्धा जी के घर के सामने, जहाँ पे गुड्डी अडॉप्ट हुई है। अब हम अंदर जाने वाले और उनसे मिलने वाले। लेकिन पहले मैं आपको गुड्डी की कहानी बता देती हूँ। गुड्डी की मदद करने के लिए विक्रम दत्ता जी ने हमें फोन ही नहीं किया। गुड्डी विक्रम दत्ता जी को पालमपुर में मिली थी जब वह अकेली रो रही थी और उसकी पूंछ भी कटी हुई थी। विक्रम जी उसे सीधा अपने घर ले गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने कई दिन उसे फॉस्टर किया, यानी कि अपने ही घर में उसकी देखभाल की। क्योंकि विक्रम जी के घर में एक पेट भी था, इसलिए गुड्डी को संभालने में उन्हें कुछ दिक्कत होने लगी, और तब जाके उन्होंने हमें इस सब के बारे में बताया। गुड्डी जब यहाँ आई तो क्लिनिक में पार्वो पॉजिटिव पपीज भी थे, इसलिए रवीना ने झट से फैसला किया कि वो उसे फॉस्टर करेंगी। रवीना और मुरुक्कू के साथ रहते रहते गुड्डी भी फ्रेंडली होने लगी थी, साथ ही उसकी पूंछ की रेगुलर ड्रेसिंग चलती रही। हमने उन दिनों गुड्डी की एक फोटो शेयर की थी, जिसे देख हमें कुछ ही दिनों में श्रद्धा जी की कॉल आई। वो गुड्डी को अडॉप्ट करना चाह रही थी। अक्सर जब कोई वाउंडेड डॉग हमारे पास आता है तो लोग उसे तभी अडॉप्ट करते हैं जब वो पूरी तरह से हील हो जाता है, लेकिन श्रद्धा जी और प्रतीक जी उसे ऐसे ही अडॉप्ट करने को तैयार थे, और उसकी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी भी वो खुशी से ले रहे थे। गुड्डी का नाम अब सराबी है और उसे 3 भाई बहन मिल चुके हैं। वो बहुत ही खूबसूरती से बड़ी हो रही है। प्रतीक जी ने उसे बहुत बढ़िया ट्रेन भी कर दिया है। उसको ह्यूमंस बहुत पसंद है। जैसे अगर कोई नया इंसान भी आता है, इतना एक्साइटेड होता है कि नहीं मुझे खेलना है, मुझे मेरे साथ खेलो, मुझे उसके साथ बस खेलो आप। लोग डर भी रहे तो भी इसको खेलना है उनके साथ। हम गए तो थे गुड्डी से मिलने, लेकिन वहां जाकर हमने 3 और दोस्त बना लिए। किसी हेल्पलेस इंसान की मदद करने से पहले हम कभी सोचते नहीं, हम मदद कर देते हैं। वैसे ही किसी हेल्पलेस एनिमल की मदद करने के लिए भी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये इंसानियत का काम ये सबका होता है। देखिए, किसी की जिम्मेदारी उठाना एक बोझ उठाने के समान होता है। इंसानियत अपना बोझ किसी के कंधे पे डालने में नहीं, बल्कि इंसानियत तो वो बोझ मिलकर उठाने में। आ,